माई सेल्फ संजय कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। हम स्टार्ट कर रहे हैं 2017 से, और सबसे पहला जो क्वेश्चन का टाइप है वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, दो नंबर का आता है। तो पहले देखते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट और सेकेंड है तो एक नंबर के ही क्वेश्चन होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इक्वेशन लिखनी बस। तो वॉल्फ किशनर रिडक्शन में रिडक्शन होता है कीटोन का इन प्रेजेंस ऑफ NH2NH2 और एल KOH और ग्लिसरॉल लेते हैं, मतलब एल्कोहलिक हुआ, एल्कोहलिक KOH ले रहे हैं। तो सीधी बात है कि ये आपका प्रोपेनॉन कन्वर्ट हो जाएगा प्रोपेन में, वाटर निकलेगा। दूसरी रिएक्शन है एटार्ड रिएक्शन। एटार्ड रिएक्शन क्रोमल क्लोराइड के प्रेजेंस में होती है, और इसमें होता है क्या, एल्डिहाइड मतलब बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन फॉलोइंग हेल बॉल हार्ट जेनेक्सी रिएक्शन। हेल बॉल हार्ट जेनेक्सी रिएक्शन में हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड के सेकंड कार्बन पे, मतलब जो आपका अल्फा हाइड्रोजन है वो हटा करके Cl लगा दिया जाता है। अब करते हैं डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो हमेशा एल्केन बनाने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड की सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करेंगे, NaOH और CO के साथ, तो बनेगा मीथेन। हमेशा इस रिएक्शन में एक बात ध्यान रखनी है कि एक कार्बन कम हो जाता है, मतलब एक कार्बन कम की एल्केन बनती है, एल्केन का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व द फॉलोइंग रिएक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन में कौन सी रिएक्शन होती है? तो जो आपका क्लीमेंसन रिडक्शन होता है वो आपका होता है जिंक, जिंक Se और HCl की प्रेजेंस में, कंसोलिडेटेड। जब ये रिडक्शन हो रहा है तो हाइड्रोजन लेना बहुत ज़रूरी है, मतलब ये हुआ कि बेंजल्डिहाइड कन्वर्ट होता है टॉलबिन में। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ये आपकी क्लीमेंसन रिडक्शन है, ठीक है, तो आपका बेंजल्डिहाइड से टॉलबिन बन रहा है। यहाँ एटार्ड रिएक्शन है जहाँ पर टॉलबिन से बेंजल्डिहाइड बन रहा है, ठीक है। तो एटार्ड रिएक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो गई आपकी क्लीमेंसन रिडक्शन। बात करते हैं कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन जो होती है आपका फॉर्मिक एसिड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में होगी, तो आपका बनेगा मिथाइल एल्कोहल, ये बना मिथाइल एल्कोहल, और सोडियम मिथॉक्साइड बनेगा, सोडियम मिथॉक्साइड, क्योंकि यहाँ पर मैथनॉइक एसिड लिया है, ठीक है। डू द फॉलोइंग कन्वर्जन इन नॉट वेन मोर देन टू स्टेप, मतलब प्रोटीन से कीटोन बनानी है, क्या बनाना है, प्रोटीन से कीटोन, तो प्रोटीन से एसीटोन बनाना है। तो प्रोपीन ले लो, उसे वाटर H2SO4 में डाल करके प्रोपेन टू और बना लो, एल्कोहल बना लिया। अब हमें क्या करना है, कीटोन बनानी है, एसीटोन बनानी है, तो उसे कॉपर की ट्यूब से निकाल दो 573 केल्विन पे, या CrO3 क्रिएशन ऑक्सीडेशन करा दो, तो सेकेंडरी एल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा एसीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपेनॉइक एसिड टू हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉइक एसिड, मतलब ये हुआ प्रोपेनॉइक एसिड तो ये है ही, यहाँ पे OH लगाना है, तो यहाँ OH तो तब लगेगा जब आप रेड फॉस्फोरस Br2 क्रिएशन करा दो, तो यहाँ हाइड्रोजन हटा करके Br लगा दो, उसे एक्वस OH के साथ रिएक्शन करा दो, सीधी बात है, हाइड्रोलाइसिस करा दो एक्वस OH के साथ, तो आप बन जाएगा 2-hydroxy प्रोपेनॉइक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 एटार रिएक्शन। फिर वही रिएक्शन है, बस यहाँ पे थोड़ा सा और एलेबोरेट कर दिया है। हमने टॉर्बिन ली, ओके, CrO2 Cl2 के साथ रिएक्शन करवाई CH3 के प्रेजेंस में, तो OCrOHCl2 बनेगा, और बचा रह जाएगा आपका हाइड्रोलाइसिस के बाद CHO, मतलब
टॉलबीन से बेंजाल्डिहाइड आपकी बन जाएगी। वॉल्फ किशनर रिडक्शन, वॉल्फ किशनर रिडक्शन में एसीटोन जो का होता है वो प्रोपिनोन में कन्वर्ट होता है। इसमें एक इंटरमीडिएट भी बनता है जिसे बोलते हैं NH2 है ना, वाटर निकलेगा तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2 भी बनेगा और उसका करा देंगे क्या KOH के साथ रिएक्शन हीट करा देंगे, ग्लाइकॉल भी लेंगे तो जैसे हाइड्रोक्सिटी के साथ। अब हम बात करते हैं राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड ABC एंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये आपका C6H5Br है जिसमें मैग्नीशियम ड्राई ईथर जैसे ही हम डालेंगे तो यहाँ पर C6H5 के बाद ठीक मैग्नीशियम चिपक जाएगा, चिपक गया तो ये आपका आपका एक प्रकार का ग्रिग्नार्ड एजेंट है एरोमेटिक कंपाउंड का ग्रिग्नार्ड एजेंट। जैसे ही कंपाउंड बनेगा उसे क्या करो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और एसिड के साथ रिएक्ट करा दो तो सीधी बात है यहाँ पे सब हट जाएगा और बेंजोइक एसिड बन जाएंगे। अब वो कह रहे हैं PCl5 रिएक्शन करा दो तो कोई बात नहीं बेंजोइक क्लोराइड बन जाएगा PCl5 रिएक्शन कराने के बाद। अब CH3CN है इसे SN रिएक्शन कराना है SNCl2HCl के साथ तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका होगा क्या रिडक्शन, क्या होगा इसका रिडक्शन। तो रिडक्शन जब होगा SNCl2HCl और वाटर मतलब एसिड के प्रेजेंस में तो बनेगा एसिटाल्डिहाइड। फिर वो कह रहे हैं कि इसमें डायल्यूट NaOH डाल दो, डायल्यूट NaOH जब जब डालोगे आप तो ये होगी क्या कंडेंसेशन रिएक्शन, ये होगा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या होगा एल्डोल, ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होता क्या है तो जब हम डायल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो ये वाला जो कार्बन है उसके एक हाइड्रोजन हट जाता है तो बन जाता है एसिटाल्डिहाइड कार्बोनाइन। उसके साथ ऐसा ही दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर आके इस कार्बन से आके चिपक जाता है तो ये कंपाउंड बन जाता है, बन गया ठीक है। तो अगर हमने थोड़ा सा इसे हीट कर दिया तो ये OH और इसका एक H यहाँ से हट जाएगा और बन जाएगा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। बात समझ में आई, ये थोड़ी सी लॉन्ग रिएक्शन है, इन सब की मैं वीडियो एक बार फिर मैं बनाऊंगा, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर दूँ पहले। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इसमें 7th क्वेश्चन अभी स्टार्ट किया है तो 7th क्वेश्चन में देखते हैं कि डू द फॉलोइंग कन्वर्जन इज नॉट मोर देन 2 स्टेप। मतलब इसे आपको सारे कन्वर्जन करने हैं पर 2 स्टेप से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। फिर हम क्या करें इथाइल बेंजीन टू बेंजोइक एसिड बनाना है और बेंजोइक एसिड टू बेंजाल्डिहाइड प्रोपिनोन टू प्रोपीन आराम से बन जाएगा। तो बेंजोइक एसिड ले लो और ले लो बेंजोइक एसिड में PCl5 की रिएक्शन करा दो तो बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगा, उसका रिडक्शन कर दो PDBaSO4 के साथ तो आपका बेंजाल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। तो एक प्रकार से रिडक्शन करा दिया ना। तो एक बात दूसरी देखते हैं एथाइल बेंजीन है, इथाइल बेंजीन से आपको बनाने बेंजोइक एसिड बहुत आसान है। इथाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन करते हैं, अगर टॉलबीन होता है तो उसका भी ऑक्सीडेशन करते हैं KTCr2O7 के प्रेजेंस में एसिडिक KTCr2O7 या बेसिक KML4 के साथ हीट कर देते हैं तो बन जाएगा बेंजोइक एसिड। फिर है प्रोपिनोन टू प्रोपीन, प्रोपिनोन से प्रोपीन बनाने के लिए सबसे बढ़िया क्या है प्रोपिनोन का रिडक्शन कराओगे है ना तो LiElH4 के साथ रिडक्शन होगा तो उससे बन जाएगा प्रोपिनॉल, प्रोपिनॉल को कंसनट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दो तो बन जाएगी प्रोपीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है शायद, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 दिख नहीं रहा, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 है। तो प्रोपिनॉन इज लेस रिएक्टिव देन एथिनल टूवर्ड न्यूक्लोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जो प्रोपिनॉल है प्रोपिनॉन है वो 3 कार्बन का कंपाउंड है पहली बात, दूसरी बात उसमें 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं अल्फा अल्फा पोजीशन पे तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा रहे हैं जिससे न्यूक्लोफिल आएगा तो रिपल्शन करेगा सीधी बात है और एथेनॉल में ऐसा नहीं होगा तो इट इज़ ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट
इट इज ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस एंड प्रेशर इफेक्ट ऑफ टू एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट इन प्रोपेनॉन मेक इट लेस रिएक्टिव देन एथेनॉल। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये मान लीजिए ये कंपाउंड है तो ये आपका NO2 लगा हुआ है अल्फा कार्बन पे, तो इससे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इधर से कम करेगा कार्बन पे, तो OH में से H प्लस आयन आसानी से निकल जाएगा, सीधी बात है। तो उसकी वैल्यू जो आपकी होगी लोअर होगी, इसका मतलब ये एसिडिक ज़्यादा है एसिडिक एसिड से, सीधी बात है, एसिडिक एसिड से ज़्यादा है एसिडिक है। तो NO2 ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप विच इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ एंड डिक्रीजेज pKa वैल्यू बिकॉज नाइट्रो एसीटेट आयन इज मोर स्टेबल देन एसीटेट आयन। ठीक है, तो ये बात आपको दिमाग में समझ में आ गई, तो हैं तो दोनों कार्बन एक जैसे ही। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन में क्या है, क्या हो रहा है, तो CH3 का होल ट्वाइस OH है ना, होल ट्वाइस CHO अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन वेयर दिस वन डज नॉट। इसका मतलब ये है कि इस CHO के अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होना बहुत ज़रूरी है, यहाँ कोई हाइड्रोजन है नहीं तो एल्डोल कंडेंसेशन हो ही नहीं पाएगा। तो एल्डोल कंडेंसेशन में कार्ब एनायन का फॉर्मेशन होता है, तो CH3CHO हैज़ वन अल्फा हाइड्रोजन, देयरफॉर इट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन वेयर एज CH3 होल थ्राइस CHO डज नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन कैन नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट देखते हैं, CH3 होल थ्राइस C सिंगल बॉन्ड O CH3 इज ट्रीटेड विद HI। तो सीधी सी बात है, जब HI के साथ रिएक्शन होगा तो होगा क्या, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, तो ये तो रिएक्शन आप पहले भी कर चुके हैं ना, है ना, तो इसमें क्या होगा, ये वाला आयोडीन कहाँ पर जाएगा, इसके पास, और CH3OH बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनिसॉल ट्रीटेड, ये तो पुराने इससे पहले भी रिएक्शन कर चुके हैं, ये आपका एनिसॉल है CH3COCl है, ये गलत है एक हुआ है, ये एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो ऑर्थो है ना, ऑर्थो पोजीशन पे COCH3 और पैरा पोजीशन पे COCH3, जब ऑर्थो पे होगा तो होगा 2-methoxyacetophenone, पैरा पे होगा तो 4-methoxyacetophenone। ये था क्वेश्चन सेकंड बी, वो कह रहे हैं फिनॉल इज ट्रीटेड विद अ Br2CH2, कोई बात नहीं, फिनॉल को Br2CH2 के साथ रिएक्शन जब करेंगे तो सीधी बात है, एक बार ऑर्थो पे Br आएगा, एक बार पैरा पे, क्योंकि ये जो आपका फिनॉल का OH का O है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिस्टम में बढ़ाता है ऑर्थो और पैरा पर, तो या तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे अटैक करेगा या पैरा पे करेगा, पैरा वाला कंपाउंड हमेशा स्टेबल होता है क्योंकि रिपल्शन लेस होता है, सेपरेशन में आसानी हो जाती है। अब कम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, राइट द प्रोडक्ट्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो ये आपका साइक्लोहेक्सिनॉन है HCN के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है, साइक्लोहेक्सिनॉन को, तो यहाँ पर इस कार्बन पे CN लग जाएगा, साइक्लोहेक्सिनॉन हेक्सेन साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। फिर आपका बेंजोइक एसिड है, सोडियम बेंजोइट है, सोडियम बेंजोइट के साथ सोडियम लाइम की रिएक्शन करेंगे तो बेंजीन बनेगा सीधा, CH3CH डबल बॉन्ड CN और डाइबल रिएक्ट करेगा H2O के साथ, तो पहले तो क्या होगा आपका डाइबल करेगा तो ये वाला रिड्यूस होगा केवल कार्बन है ना, इस डबल बॉन्ड पर कोई असर नहीं पड़ेगा, LDHD बन जाएगा अनसेचुरेटेड LDHD, ये क्या बनेगा अनसेचुरेटेड LDHD, सीधी बात है अनसेचुरेटेड LDHD बन गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बी देखते हैं, तो अब हमने क्या किया है, बेंजोइक एसिड एंड फिनॉल, ये नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है बी का, हाँ ये तो कर दिया ना, ए कंप्लीट हो गया। अब ब्यूटेनल, वो कह रहे हैं कि गिव द सिंपल केमिकल रिएक्शन
ऑन अ डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर, ब्यूटेन नल और ब्यूटेन टू ऑन में कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? सीधी बात है, तो तुम क्या करो कि जो आपका ब्यूटेन नॉन है उसका आइडोफॉर्म टेस्ट कर लो। कर लिया तो ये तो आपका आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, लेकिन ब्यूटेनल नहीं देगा। आगे सुनो, इसका मतलब क्या है, इस कार्बन के अल्फा कार्बन पे तीन हाइड्रोजन होना जरूरी है, तभी आइडोफॉर्म टेस्ट आता है, येलो पीपीटी बनता है। ठीक, आइडोफॉर्म का तो आइडोफॉर्म टेस्ट इसलिए करवाया जाता है कि आयरिन अच्छे से येलो पीपीटी देता है, क्लोरिन थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक है, तो और केमिस्ट्री लैब में अवेलेबल भी नहीं होती है। चलिए, राइट द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग। गिटार रिएक्शन पहले करते हैं, ये बहुत पहली रिएक्शन होती है, CrO2Cl2 की रिएक्शन, टॉलबीन से बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। स्टीफिन रिएक्शन में क्या है, ये आपका रिडक्शन रिएक्शन है, SnCl2HCl की सारी रिएक्शन होगी, तो सीधी सी बात है CH3CN से बनेगा CH3CHO एथेनॉल। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग इन नॉट मोर देन टू। तो बेंजोइक एसिड, ठीक है, बेंजल्डिहाइड आसानी से अभी तो किया था, बेंजोइक एसिड को SOCl2 के साथ रिएक्शन कर दो तो बेंजोइक क्लोराइड बनेगा, उसका रिएक्शन कर दो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। सीधी बात है, अब क्या करते हैं, एथेनॉइक एसिड है, एथेनॉइक एसिड 2-hydroxy अभी तो किया था, एथेनॉइक एसिड का एसिटोफिनॉल टू बेंजोइक एसिड बना लो, तो एसिटोफिनॉल का आप क्या करो, ऑक्सीडेशन कर दो K2Cl2O7 और कंसल्टेड H2SO4 के साथ। आगे बात समझ में, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 चल रहा है अभी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में ये आपका एसिटोफिनॉल है, ये क्या है, एसिटोफिनॉल, उसे KMnO4KOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपका बन जाएगा सोडियम पोटेशियम बेंजोइट बनेगा, पोटेशियम बेंजोइट के साथ H रिएक्शन होगी तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। चलिए, एथेनॉइक एसिड को हम रेड फॉस्फोरस Cl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये आपका Cl यहाँ पे लग जाए, एक्वस के वजह से रिएक्शन कराएंगे तो आपका 2-hydroxy एथेनॉइक एसिड बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से पढ़िए। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8, तो ये आपका ब्यूटेनॉन होगा पक्का, गिव्स ऑरेंज रेड PPT विद 2.4 डाई DNP रिएजेंट। तो सीधी सी बात है, ये रिएजेंट आपको मालूम होना चाहिए और ये प्रॉपर तरीके से रिएक्शन हो जाती है, ऑरेंज PPT बनती है। अब कह रहे हैं कि वो इट डज नॉट रिलीज टॉलरेंस रिएजेंट बट गिव येलो PPT ऑफ आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट होने का सेंस यही है कि जो आपका अल्फा कार्बन है उस पर CH3 मिथाइल फंक्शन ग्रुप है तो आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, सीधी बात है। फिर हमने क्या किया, ऐसे इसका रिडक्शन कर दिया, ठीक है, रिडक्शन किया तो आपका एल्कोहल बन गया, जैसा कि आप देख ही रहे हो, है ना, कि कंपाउंड एक्स ऑन रिडक्शन विद AlIAlH4 गिव कंपाउंड बाई विच अंडरगो डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑन हीटिंग कंसंट्रेटेड H2SO4। तो सीधी बात है, हमेशा एल्कोहल ही डिहाइड्रेशन करता है, तो ये हमने एल्कोहल बना लिया, उसका डिहाइड्रेशन कर दिया तो B2N बन गया। इस तरीके से हम पता लगा लेंगे कि एक्स कंपाउंड क्या है, बी और वाई कंपाउंड क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वो ये कह रहे हैं कि अल्फा हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर एसिडिक इन नेचर। तो एल्डिहाइड और कीटोन में जब H+ आयन निकल जाता है तो वो स्टेबल हो जाता है, मतलब इससे मान लो H+ आयन निकाल दो यहाँ से, है ना, तो ये स्टेबल बन गया, H+ नेगेटिव चार्ज आ गया, ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज के साथ का रेजोनेंस आ जाएगा, वैसे करके कीटोन के साथ हो गया, तो यही आपका रीजन है। प्रोपिनॉन इज लेस रिएक्टिव, ये तो मैंने पहले ही बता दिया, प्रोपिनॉन हिंड्रेंस ज़्यादा करता है, दो मिथाइल ग्रुप होते हैं प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, तो न्यूक्लियोफाइल आएगा तो बढ़िया तरीके से अटैक नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 13 का थर्ड पार्ट देखते हैं, तो वो है, इट इज़ बिकॉज
है ना जी। बेंजोइक एसिड डज नॉट गिव अ फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन। अब बेंजोइक एसिड फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन तो इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है जब बेंजीन। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में ये है कि टॉलबिन टू बेंजाल्डिहाइड हमें कन्वर्ट करना है, तो अभी रिएक्शन करा दिया, ऑक्सीडेशन करा दो इसका क्रोमल ऑक्साइड क्रोमल क्लोराइड के साथ, तो आपका हो जाएगा टॉलबिन बेंजाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, सीधी बात है। तो ये देखो रिएक्शन CR O2Cl2 से रिएक्शन करा दो, बेंजोइक एसिड को Cl2P4 के साथ रिएक्शन करा दो तो ये बनेगा ब्रोपिनॉन को जिंक और HCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपको रिडक्शन हो जाएगा, प्रोपीन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये पुराने क्वेश्चन थे इसलिए मैंने जल्दी कर दिया। अब हम बात करते हैं राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ABCD एंड E इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो आप पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ रहे हैं, इस वीडियो में 15 क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊँगा। तो बेंजीन ली हमने, CH3COCl डाला AlCl3, तो बेंजीन पे COCl3 लग गया, उसको ZnHg कंसनट्रेट HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर CH2 आ जाएगा, फिर वो करें K1O4KOH के साथ रिएक्शन करा दो HCO, तो सीधी बात है ये आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बन जाएगा बेंजोइक एसिड, बहुत आसान है। और ये कंपाउंड ऐसा कंपाउंड है जो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है पॉलीमराइजेशन, तो आइडोफॉर्म टेस्ट भी देता है। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, और मैं आपको बता दूं कि पिछली मैंने इस पूरे चैप्टर के सारे क्वेश्चन को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनका शॉर्ट बता के डाल दिया है, ठीक है ABC करके। अब हम इन्हें एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो कम से कम काफ़ी टाइम लगने वाला है, 6 या 7 वीडियो होने वाले हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।